वंदे टुडे वी विल सी सेकंड सेकंड पार्ट पार्ट ऑफ़ 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 यूनिट इंग्लिश सब्जेक्ट स्टैंडर्ड एंड अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसरसाइजेस देखेंगे यूनिट सेवन की स्टोरी देखी थी ना द गिविंग ट्री ट्री यानी कि वो पेड़ जो सब कुछ देता है उसके बारे में तो ओके okay, तो पहले क्या देखेंगे क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक सॉल्व ओके उसमें रीडिंग इज फन उसमें पहला क्वेश्चन क्या है हाउ डिड द बॉय एन्जॉय द कंपनी ऑफ द ट्री तो वो बच्चा था वो ट्री की पेड़ की कंपनी कैसे एंजॉय करता था आंसर द बॉय क्लाइं द ट्रंक ऑफ द ट्री स्व ऑन इट्स ब्रांचिस एट इट्स एंड स्लेप्ट अंडर इट्स शेड तो वो बच्चा है वो पेड़ के ट्रंक के ऊपर चढ़ जाता था उसकी डालियों पे झूला झूलता था उसके फ्रूट्स खाता था और उसकी छाव में सो जाता था फिर क्वेश्चन टू हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय ऑन मनी वो पेड़ बच्चे को रुक रुपए कमाने में कैसे मदद करता था आंसर द ट्री टोल्ड द बॉय टू प्लक ऑल द एप्पल्स एंड earn मनी बाय सेलिंग देम इन द मार्केट तो पेड़ ने बच्चे को बताया कि तुम मेरे सारे एप्पल्स तोड़ लो और फिर उसे बेचकर मनी रुपए ले लो मार्केट में से क्वेश्चन थ्री व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री तो उस लड़के ने पेड़ की डालियों के साथ क्या बनाया आंसर द बॉय मेड अ हाउस विद द ब्रांचिस ऑफ द ट्री लड़के ने घर बनाया क्वेश्चन फोर वेड द बॉय मेड विद द ट्री द उस लड़के ने ट्री के ट्रंक के साथ क्या बनाया द बॉय मेड अ बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री क्या बनाया बोट बनाई नाव बनाई थी ना फिर क्वेश्चन फाइव हाउ वज द ट्री यूजफुल द उस पेड़ का स्टम्प था टुकड़ा था वो कैसे यूजफुल हुआ वो कैसे उपयोग में आया आंसर द स्टम्प ऑफ द ट्री प्रूड टू बी यूजफुल बाय ऑफरिंग द ओल्ड मैन अ पीसफुल प्लेस टू सीट एंड रेस्ट वो पेड़ का टुकड़ा था वहाँ पे बुढ़ा वो था बुढा इंसान वो आके शांति से बैठ गया और आराम करने लगा इस तरह वो उपयोग में आ गया क्वेश्चन सिक्स वाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री ये स्टोरी को द गिविंग ट्री क्यों बोला गया है द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री ऑलवेज गिव समथिंग और द अदर टू द बॉय टू मेक हिम हैप्पी इसको इसलिए बोला है क्योंकि पेड़ ने हमेशा उस बच्चे को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ दिया है या कुछ ना कुछ किया है ओके okay, अब वर्ड बिल्डिंग वर्ड बिल्डिंग में क्या है मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस आपको नए शब्द बनाने हैं और सेंटेंसेस को कंप्लीट करने हैं तो पहला द चिल्ड्रन लाउड टू सिंग डैश तो लाउड का क्या किया लाउडली फिर रीड योर लेसन साइलेंटली साइलेंट का साइलेंटली तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है उस

तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए उसमें से जो सही हो वो आपको ब्लैंक में फिल अप करना है ओके माय मदर वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स तब ज्यादा है ना इसलिए एप्पल्स आएगा अ डजन बनानास एंड अ डजन ऑरेंजिस आई लव ऑरेंजिस सो आई एट एन ऑरेंज खाया कितना एक ही इसलिए ऑरेंज माय ब्रदर वांटेड अ बनाना एंड माय सिस्टर आस्ट फॉर एन एप्पल उसके बाद क्या है अ ट्री हैज वन ट्रंक बट मिनी ब्रांचिस अ ब्रांच हैज अ नंबर ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ये आएगा ओके okay? अब लेट्स टॉक तो लेट्स टॉक में क्या है पहला क्वेश्चन व्हाई शुड वी नॉट कट ट्रीज़ अपने को पेड़ों को क्यों नहीं काटना चाहिए आंसर वी शुड नॉट कट ट्रीज़ बिकॉज़ ट्रीज़ गिव्स अस मेनी थिंग्स सच एज फ्रूट फ्रूट फ्यूल वैल्यूएबल टिम्बर मेडिसिंस एटसेट्रा दे गिव अस कूल शेड इन समर दे प्यूरीफाई एयर व्हिच वी ब्रीथ तो क्या कह रहे हैं कि अपने पेड़ों को इसलिए नहीं काटना चाहिए क्योंकि पेड़ अपने को बहुत सारी चीज़ें देते हैं जैसे है फ्रूट फ्यूल फिर बहुत सारे टिम्बर दवाएँ एक्सेट्रा और समर में जब बहुत धूप होती है तो वो ठंडी ठंडी छाँव देती है और बहुत ही क्या करती है तो एयर हवा देती है जो अपने को सांस लेने में मदद करे फिर क्वेश्चन टू एट एंड ऑफ द प्ले द ओनली द स्टम्प ऑफ द ट्री इज लेफ्ट फाइंड आउट इफ इट विल ग्रो इन टू अ ट्री अगेन द स्टोरी में आखिर में सिर्फ एक स्टम्प बच्चा है ट्री के लिए बराबर टुकड़ा ही बचा है तो आपको ढूंढना है कि क्या उसमें वो वापिस उसमें से पेड़ उगेगा या नहीं तो इसको अपने नहीं करना है ओके okay, फिर क्वेश्चन थ्री तो क्वेश्चन थ्री क्या है से द गिवन सेंटेंसेस विद डिफरेंट एक्सप्रेशंस आपको क्या करना है नीचे जो सेंटेंस ये दिए हैं उसको अलग अलग एक्सप्रेशंस में बोलना है ओके okay, तो पहला क्या है कम एंड प्ले विथ मी तो इसको अपने कैसे बोल सकते हैं कम टू प्ले विथ मी फिर सेकेंड आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन तो इसको कैसे करेंगे आई विल मेक फन बाई बाइंग थिंग्स फिर सी कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्राम माई ब्रांचिस तो थर्ड को कैसे करेंगे यू कैन क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचिस फिर डी कट डाउन माई ट्रंक तो इसको कैसे करेंगे यू कैन कट डाउन माई ट्रंक ऐसे भी बोल सकते हैं फिर ई आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचिस तो इसको कैसे आई एम सो ओल्ड दैट आई कैन नॉट स्विंग ऑन द ब्रांचिस फिर उसके बाद क्या है लास्ट वन आई एम टू टायर टू क्लाइम तो इसको कैसे करेंगे आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट क्लाइम ऐसे अब लेट्स राइट तो लेट्स राइट में कैसे राइट दिस सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर आल्सो चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड ऐड इट बिफोर इट सेंटेंस रिमेंबर टू पुट अ कॉमा आफ्टर इट फॉर एग्जांपल तो क्या करना है कि आपको सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है फिर बॉक्स में से जो सही वर्ड हो उसको लिखना है और उसको आगे सेंटेंस के आगे लगाना है और कॉमा भूल लगाना भूलना नहीं है जैसे कि कैसे है तो वर्ड है फाइनली राइट right? तो अपने क्या है फाइनली वाला सेंटेंस है उसमें क्या है तो पहले फर्स्ट है तो फर्स्ट और फिर देन आफ्टर दैट फाइनली तो इसको अपने कैसे करेंगे देखो ये क्या है इतने सारे वर्ड्स है राइट right? ये आपको इसमें से करना है पहला सेंटेंस है इट गेव हिम इट्स ब्रांचिस टू मेक अ हाउस ओके तो इसको कैसे लिखेंगे तो so, इसका आंसर आएगा फर्स्ट द फर्स्ट उसके बाद कॉमा द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय फिर सेकेंड सेंटेंस क्या है इट आस्ट हिम टू सीट ऑन द स्टम्प तो इसको कैसे करेंगे तो so, धैन फिर कॉमा इट गेव हिम इट्स ब्रांचिस टू मेक अ हाउस है ना ऐसे करेंगे फिर क्या है तो सी इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट तो इसको क्या कैसे लिखेंगे तो इसको लिखेंगे आफ्टर फिर कॉमा दैट इट गेव इम हिम इट्स स्ट्रोंग टू मेक अ बोट और डी क्या है द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय तो फाइनली क्या आएगा Finally, फिर कॉमा इट आज टू सीट ऑन द स्टम्प अब आप सबको क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे ये अलग अलग सेंटेंस है राइट right? यहाँ पे ए बी सी डी में और यहाँ पे अलग अलग है ऐसा क्यों तो आपने देखा था ना क्वेश्चन में कि आपको अरेंज करने हैं सेंटेंसेस फिर लिखने हैं तो इस तरह से अरेंज करना है First, the tree gave its apple to the boy. Then it gave him its branches to make a house. After that, it gave him its trunk to make a boat. Finally, it's, it asked him to sit on the stump. this is arrange किया, फिर आगे शब्द comma Right? ऐसे अब, work in a group and decide the things that you can do to help your grandparents or एनी ओल्ड पर्सन नाव राइट फाइव ऑफ दिस थिंग्स डेट यू विल डू आपको क्या करना है ग्रुप में काम करना है डिसाइड करना है कि आप कोई भी बूढ़े इंसान को कैसे मदद करोगे पाँच चीज़ें लिखनी है कि आप जो करोगे ओके okay? तो आई विल गिव दैम वाटर टू ड्रिंक आई विल गिव दैम मेडिसिन ऑन टाइम आई विल सीट विदम वन एवर आई गेट टाइम आई विल गो ऑन वॉक विदम आई विवरी थिंग दैट मेक्स दप्पी इस तरह से ओके okay? अब नेक्स्ट तो नेक्स्ट में क्या है तो देखो ये पोयम है चिंता चेटू का उसको पढ़ो क्या है चिंता चेटू इज अ टेमेरन ट्री दिस फेमस ट्री इज इन ग्वालियर टेंसन अ फेमस सिंगर द टेमेन ट्री ग्रोज ओवर टेंसन स्टॉम ईट द लीव्स ऑफ द टेमेरन ट्री एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक टांस एन तो अब क्या करना है चूज द राइट वर्ड एंड फिलअप करने हैं यहाँ पे आपको जो ब्रैकेट्स में वर्ड दिए हैं उसमें से सही हो चूज़ करने हैं और फिलअप करने हैं तो पहले में क्या आएगा चिंतू चेटू इज अ टेमेरिन ट्री तो यहाँ पे ट्री आएगा दिस फेमस ट्रीज इन क्या कहाँ है ग्वालियर में Tansen was a famous singer. The tamarind tree grows over Tansen's tomb. Eat the leaves of the tamarind tree and you will also sing like Tansen. ऐसे करना है. तो समझ में आ गया बच्चों? ओके. Okay. आप सबको क्या करना है? आप सबको इस सब exercise और question answers को extra of notebook में लिखना है. ओके. वंदे मातरम.